दोस्तों, जब किसी आर्ट ऑब्जेक्ट की बात आती है तो हमारे जहन में खूबसूरती का ख्याल आने लगता है। हम सभी को लगता है कि जो चीज खूबसूरत है वही आर्ट है। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, अगर आपके और हमारे लगने से दुनिया चलने लगती तब तो हो चुका कल्याण। तभी तो मशहूर पेंटर और म्यूजिशियन मैरिलिन मैनसन का कहना है कि डरावनी और खतरनाक चीज भी खूबसूरत आर्टिस्टिक पीस हो सकती है। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है वो आपको हमारे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, जहां आज हम आपको दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे डरावने और अजीबोगरीब आर्ट ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनकी तारीफ करें या फिर उनसे डर कर दूर भागे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि इस वीडियो में आपको मजा बहुत आने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहिएगा। यूजुअल ओपेरा, क्या आपको ओपेरा का नाम सुनते ही नींद आने लगती है? हाँ, हमें पता है कई लोगों को ये बहुत बोरिंग लगता है, पर इसके बारे में जजमेंटल होने से पहले जरा इस जगह के बारे में तो जान लीजिए। असल में ऑस्ट्रिया के एक टाउन में होने वाले आर्ट परफॉर्मिंग फेस्टिवल में एक क्लासिकल ओपेरा शो होता है, लेकिन इसे देखते वक्त आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि शो आपकी इमेजिनेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, जहां एक जेंट स्केलेटन पानी के ऊपर मौजूद होता है और एक बड़ी सी आंख ऑडियंस को घूर रही होती है। और पिछले साल तो इस ओपेरा शो में ऑडियंस को हैरान करने के लिए एक बहुत ही क्रीपी सा दिखने वाला क्लॉन मौजूद था, जो लगातार हंसते हुए आंखें खोल रहा था और फिर बंद कर रहा था, जिसकी तरफ देखने पर ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए। एंट्स इन्वेशन, दोस्तों बहुत से लोगों को चींटियां नहीं पसंद और कुछ लोग तो इनसे डरते भी हैं। अब जाहिर सी बात है, फिल्मों में जब अचानक से ही चींटियों के झुंड को दिखाया जाएगा तो कोई भी डर जाएगा, और अगर आपको चींटियों से डर लगता है तब तो आपको कोलंबियन आर्टिस्ट राफेल गॉर्नेज बारोस के एग्जीबिशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप खुद ही देखिए कैसे उन्होंने लंदन के इस गैलरी का क्या हाल बना कर रखा है, जहां 50 सेंटीमीटर की चींटियां दीवार पर ऐसे रेंग रही है मानो अभी ही हमें काटना शुरू कर देंगी, और कॉर्नर में तो इनका पूरा झुंड बना हुआ है जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। अब इसे देखने के बाद एक चीज तो पक्की है, जिन लोगों को चींटियों से डर नहीं लगता वो भी यहां पहुंचने के बाद इनसे डरना शुरू कर देंगे। इनके हर एक एग्जीबिशन में चींटियों का बहुत बड़ा रोल होता है, और कई बार तो ये कुछ ऐसा हैरान करने वाला कर देते हैं जिसे देखकर इंसान बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसका नमूना आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव थ्रेट, आज के टाइम पर न्यूक्लियर पावर एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई है, और इसी चीज ने एक स्पेनिश डिजाइन टीम को बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया। असल में दोस्तों, जर्मनी में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में जब लोग आते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ इस तरह की हैरतअंगेज चीज देखने को मिलती है। ये स्केयर क्रोस की आर्मी है, जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखे हैं, और ये चीज केवल मौज मस्ती के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि 2011 में इसे फुकुशिमा डिजास्टर के बाद इंस्टॉल किया गया, ताकि न्यूक्लियर पावर की प्रॉब्लम पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके। पर हमारे हिसाब से तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, जहां इस तरह के स्ट्रक्चर लोगों पर काफी इफेक्ट डालते हैं, इसे देखने के बाद वो एक न एक बार तो न्यूक्लियर प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह इस वक्त आप मजबूर हो गए। वॉइसेस इन योर हेड, अगर हम आर्ट एक्सपर्ट्स की माने तो हांगकांग आर्टिस्ट जॉन सेंसांग्स की टेक्निक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन जब बात इनके आइडियाज की आती है तब तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, ये आर्टिस्ट सिरामिक और स्टेनलेस स्टील स्कल्पचर बनाने के लिए फेमस है। ऑब्जेक्ट्स और इंसानों को एक साथ कंबाइंड करके एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं, फिर चाहे वो पाइनएप्पल हेड हो या फिर सिर के ऊपर से निकलने वाला हाथ। उसके अलावा भी इंसान के दिमाग के साथ इन्होंने ऐसी कलाकारी दिखाई कि इनके आर्ट ऑब्जेक्ट्स को देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। खास तौर पर इनका ये पीस जिसमें इंसान के दिमाग के अंदर कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, इसे देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इस आर्टिस्ट की इमेजिनेशन किस लेवल की होगी। सी मॉन्स्टर, अगर इतिहास काल में पाए जाने वाले सबसे डरावने मॉन्स्टर की लिस्ट बनाई जाएगी तो कराकेन का नाम बिल्कुल टॉप पर होगा, और इसी चीज से इंस्पायर होकर फ्लिथी ल्यूकर और पेड्रो एस्ट्रालस नाम के आर्टिस्ट ने एक फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड को ट्रांसफॉर्म करके
इस खतरनाक ऑक्टोपस के रहने की जगह बना दी। आप खुद ही देख लीजिए इनकी ये कलाकारी कितनी ज्यादा डरावनी है, जिसे अगर कोई अचानक से देख ले तो डर से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका रियलिस्टिक व्यू है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर ऑक्टोपस मौजूद है। वैसे दोस्तों, जब ऑक्टोपस का जिक्र आ ही गया है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 7 या 8? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। जेंट बेबी, दोस्तों हमारे इस आर्टिस्ट ने लगता है जेंट ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तभी तो ऑस्ट्रेलियन स्कल्पचर रॉन म्यूक्स ने अपने काम से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे इनके द्वारा बनाए गए जेंट ह्यूमन बहुत ही ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक है। खास तौर से ये गिगेंटिक हाइपर रियलिस्टिक बेबी, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये बच्चा अभी बोल पड़ेगा। इसकी बॉडी के एक एक पार्ट पर डिटेलिंग की गई है, फिर चाहे वो इसके बाल हो, स्किन हो, या फिर स्किन में पड़ने वाले रिंकल्स, ये सब कुछ रियलिस्टिक है। और इनके आर्ट वर्क की यही खासियत है कि इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आर्ट वर्क है। जिस तरह आप हैरान हो गए हैं, उसी तरह लोग भी इन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। स्विस चाइल्ड ईटर काइंड लेफ्रेसर ब्रनन, शब्द अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएं तो इसका मतलब होता है चाइल्ड ईटर फाउंटेन। और अगर आपको शब्द सुनने के बाद भी डर नहीं लग रहा तो जरा स्कल्पचर पर ध्यान दीजिए, जिसे देखकर बड़े बड़े तुर्रम खां भी डर से कांपने लगे। दोस्तों, ये स्कल्पचर स्विट्जरलैंड में बना हुआ है और जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया था उसने सोचा क्यों ना इसे और ज्यादा खतरनाक बनाया जाए, इसलिए उसने एक शख्स को एक साथ 3 बच्चों को खाते हुए दिखाया। इसके अलावा कुछ बच्चे इसके शरीर में लटके हुए हैं, पर सबसे डरावनी चीज ये है कि इसे अभी के किसी भी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, बल्कि इस स्ट्रक्चर को साल 1546 में स्कल्पचर हैनिस गैंग्स द्वारा तैयार किया गया, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उस टाइम में ग्रीक गॉड बच्चों को खाते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो एक्सपर्ट्स भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। एटर्नल वेट, अगर वीडियो में दिखाई गई चीजें अभी तक आपको डराने में नाकामयाब रही है तो इटालियन आर्टिस्ट साशा विंसी का काम देखने के बाद आपके पसीने छूटने लगेंगे, जहां इनके द्वारा बनाए गए आर्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान और ज़ॉम्बी के एक अलग ही तरह के कॉम्बिनेशन को लोगों के सामने पेश करती है। पर जब आप इनके इंस्पिरेशन के बारे में सुनेंगे तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। इनका कहना है कि इनका काम आने वाले समय में होने वाली तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों की वजह से इंसानों का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है, और अगर इनकी इमेजिनेशन सच है तब तो भाई साहब वाकई में डरने वाली बात है। फेसलेस बेबीज, दोस्तों पर्ग्यू शहर की खूबसूरती के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यहाँ पर बने ब्रिज, कैसल और फेमस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, पर यहाँ एक और चीज है जिसके बारे में बात नहीं होती। असल में हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट जिस्को में टावर के ऊपर चढ़ते हुए बड़े साइज के फेसलेस बेबी के स्ट्रक्चर्स लोगों को हैरान और परेशान दोनों कर देते हैं। 2001 में डेविड चेरनी के इन क्रीपी स्ट्रक्चर्स को जब यहाँ इंस्टॉल किया गया तो हर कोई इसे देखने यहाँ पहुँच गया। हालांकि शुरुआत में इसे कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लगाया गया, पर बाद में इस क्रीपी से स्ट्रक्चर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे यहाँ पर परमानेंटली लगा दिया गया। जो कोई भी इस टावर को पहली बार देखता है वो इसकी अजीब बनावट की वजह से सोचने पड़ जाता है, और कई लोगों के हिसाब से तो ये दुनिया की सबसे अगलीएस्ट बिल्डिंग है। स्कैरी रिफ्लेक्शंस, दोस्तों ऑडियंस को हैरान करने के लिए आर्टिस्ट को मॉन्स्टर्स वगैरह की खतरनाक तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है, कई बार लोगों को डराने के लिए शीशे ही काफी है। हालांकि इन सभी चीजों को करने के लिए बिल्कुल शुद्ध टैलेंट की जरूरत होती है। अब जैसे कि आप यहाँ ही देख लीजिए, स्कॉटलैंड में मौजूद इस जंगल में जब आप जाएंगे तो यहाँ के लोकल स्कल्पचर रॉब मुलहोलैंड ने स्लेंडर मिरर स्टैच्यू इंस्टॉल किए हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील और ग्लास से बनकर तैयार हुए हैं, जिन्हें अचानक से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई आत्मा वगैरह वहां पर खड़ी है। अब इस तरह के जंगली इलाके में ऐसे आर्ट ऑब्जेक्ट्स को फिट करना लोगों को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है, इसीलिए जो कोई भी इन्हें पहली बार देखता है
उसकी हालत खराब होने लगती है और कई सारे लोग तो यहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। ऑल सीइंग आईज, हम अक्सर हंसी मजाक में ये कहते रहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, पर टॉनी टेसिट नाम के आर्टिस्ट ने इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तभी तो इन्होंने डाउनटाउन डेलस के बिल्कुल बीचों बीच में बने एक गार्डन में इस बड़ी सी आंख को इंस्टॉल किया है। दोस्तों, इस आई बॉल को दिन में देखकर तो इंसान डर ही जाएगा, लेकिन इसके हाइपर रियलिस्टिक लुक की वजह से जो कोई भी इसे रात में देखता है वो तो ऐसे डर जाता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ 8 सब्जेक्ट जो आपको हैरान करने के साथ साथ परेशान करने का भी काम करते हैं। अब आपके इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे हम, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।